लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। वेलकम क्लास। आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, मम्मी पापा होंगे ही, बुआ चाचा, ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं जो बुजुर्ग होने लगते हैं, तो क्या हमें उन्हें छोड़ाना चाहिए कहीं? नहीं, कभी नहीं। हमें उनके अनुभव को साथ में रखना चाहिए, वो हम पर बोझ नहीं है। इसी को लेकर हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जो आपको बहुत कुछ सीखने को बताएगी। कहानी का नाम है बड़ों का अनुभव। चिरो और इचिरो, कौन कौन थे? चिरो और इचिरो नामक दो भाई थे और उनकी माता जी का नाम था सुमी। वो अपनी माता जी से बहुत प्यार करते थे। दिन भर खेतों में काम करके आते और फिर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाते, उनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। चिरो और इचिरो दोनों अपनी माँ से इतना प्यार करते थे कि वो उनसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते थे। पर उनकी खिड़की से, उनके घर में खिड़की थी, उससे एक पहाड़ दिखाई देता था, तो वो सोचते रहते थे कि ये पहाड़, कभी सोचते दुखी हो जाते, इस तरह से उनके मन में अजब अजब विचार आते थे। और उन विचारों के आने का कारण भी था कि उनके राज्य में, उनके राज्य के जो राजा थे उनका नाम था रामा, उनके राज्य में एक ऐसा नियम था कि यदि कोई बुजुर्ग 70 वर्ष का हो जाए तो उसे उस पहाड़ पर रहना होता है, उसके परिवार वाले उसे उस पहाड़ पर छोड़ आते। अब इनकी माता जी जो सुमी थी, वो भी अभी 70 वर्ष की होने वाली थी, पर वो तो अपनी माता जी से बहुत प्यार करते थे, तो इसी बात से वो दुखी रहते थे कि एक दिन हमको भी इस पहाड़ पर अपनी माता जी को छोड़ने जाना पड़ेगा। और उस पहाड़ को देख देख कर वो अपने मन में हमेशा दुख को लिए रहते थे। फिर एक दिन सुबह सुबह उनकी माता जी ने कहा कि कल पूर्णिमा है और मैं 70 वर्ष की हो जाऊंगी, तो मुझे उस पहाड़ पर छोड़ आना। इचिरो अपनी माता जी से बोलता है, माँ ऐसे शब्द तो हम सुन भी नहीं सकते और हम तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। दोनों भाई इस बात का विरोध करते हैं, पर उनकी माता जी उन्हें समझाती है कि बेटा, हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का यह नियम है, तो इसके आगे आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये तो हमें करना ही होगा। चिरो और इचिरो दोनों मान जाते हैं। दूसरे दिन पूर्णिमा थी। अभी उनकी माता जी जो सुमी है ना, वो 70 वर्ष की आज हो गई, आज उन्हें छोड़ने जाना था, उन्हें कहाँ पर? उसी पहाड़ पर। अब माता जी ने सुबह से उठ के सारे काम कर लिए, बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी फटे पुराने सब सिल के रख दिया, उनके लिए खाना बना दिया और फिर उन्हें बोला कि अब मुझे छोड़ के आ जाओ, मैंने सारे काम कर दिए तुम्हारे। इचिरो और चिरो ने सोचा कि अब तो छोड़ने जाना ही पड़ेगा। दोनों भाई जो है बहुत भारी मन लिए उन्हें छोड़ने जाने का निश्चय करते हैं। माता जी भी अपने घर को अच्छे से देख लेती है कि बहुत 70 साल उन्होंने यहाँ गुजारे, तो अपने घर के सारे दीवारों को बहुत अच्छे से देख लेती है और फिर भारी मन लिए हुए वो भी चल पड़ती है। दोनों उन्हें उठा कर लेकर जाते हैं डोली में, और रास्ते में जो माता जी उनकी बहुत होशियार थी, तो वो क्या करती है कि जो पौधे होते हैं ना, तो एक अलग टाइप का जो पौधा होता है गाठ गाठ वाला, उसकी डंडियां तोड़ तोड़ के फेंकती जाती है इस तरीके से। अब वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसे मालूम था कि ये पहाड़ का रास्ता है, मेरे साथ जा रहे हैं बच्चे, तो मुझे छोड़कर जब आएंगे तो ये रास्ता तो भूल सकते हैं। तो वो उनको निशाने बनाने के लिए वो जो पेड़ की डंडियां हैं, गाठदार पेड़ की डंडियां तोड़ते जाती हैं। अब ऊपर पहुंच जाते कुछ समय बाद पहाड़ पर, भारी मन से वो अपनी माता जी को अलविदा कहते हैं और माता जी भी उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देती है। अब बच्चे धीरे धीरे नीचे आने लगे पहाड़ से, बहुत भारी मन से दुखी होकर नीचे आने लगे। फिर तभी अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी, बर्फ गिरने लगी। ये दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये दोनों रास्ता भी भटक गए थे। फिर इन्होंने सोचा, चलो हम छोटा रास्ते से चले जाते हैं,
और इन्होंने छोटा रास्ता पकड़ लिया। जो रास्ते से वो गए थे ना ऊपर, वो रास्ता इन्होंने छोड़ दिया। अब ये छोटे रास्ते से नीचे आने लगे और रास्ता भटक गए। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। एक तो अंधेरा भी होने लगा था, बर्फीली हवाएं चलने लगी थी, वो डर गए। फिर वो वापस पहाड़ पर गए और अपनी माँ सुमी माँ को बुलाने लगे कि माँ हमारी मदद करो, हम रास्ता भटक चुके हैं। उनकी माता जी दूर कहीं पेड़ के पीछे बेहोश, थोड़ी बेसुध पड़ी हुई थी, लेकिन अपने बच्चों की आवाज सुनकर उन्हें होश आ गया और उन्हें समझ आ गया मेरे बच्चे किसी मुसीबत में हैं। और वो जल्दी से उन्होंने उठा और देखा कि कहाँ है मेरे बच्चे। तो बच्चे सामने ही खड़े थे, चिरो और इचिरो उनके सामने ही खड़े थे। फिर उन्होंने चिरो और इचिरो ने अपनी माता जी को बताया कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। तो माता जी ने कहा ठीक है चलो, उन्होंने अपनी माता जी से रिक्वेस्ट भी की कि चलो हमें छोड़ कर आओ। तो वो छोड़ने आते हैं, वो अपनी माता जी को साथ में ले आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी माता जी के बिना उनका सारा काम बिगड़ जाता है। अब वो नीचे आ जाते हैं और अपनी झोपड़ी के पीछे अपनी माता जी को हमेशा के लिए छुपा के रखते हैं। अब कुछ समय बाद वहां के जो राजा रामा है वो सभी लोगों को अपने जो राज दरबार के और अपने राज्य के सभी लोगों को अपने राज दरबार में बुलाते हैं, पुरुषों को खास तौर पे, और बोलते हैं कि मैं आपको कुछ काम दूंगा, जो सारे काम सही करेगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक काम दिया कि कोई भी शंख में एक तरफ से दूसरी तरफ धागा डाल के दिखा दो और कल लेकर आओ तो मैं उन्हें पुरस्कार दूंगा। चिरो और इचिरो भी अपने घर जाते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं। चिरो और इचिरो अपनी माता जी को बोलते हैं, माता जी बोलती है ये तो बहुत इजी काम है, बहुत आसानी से हो जाएगा। उन्होंने कहा आप एक चींटी पकड़ो और उसके पैर पर धागा बांधो और उसे शंख जो होता है ना, शंख उसके लास्ट में रखो और सामने शंख के मुंह के सामने शक्कर रख दो और चींटी उसकी खुशबू से धीरे धीरे धागा लेकर बाहर निकल जाती है और इस तरीके से धागा बाहर आ जाता है। लेकिन एक बात और, माता जी उनको ये बताना नहीं भूलती कि अंत में जब चींटी बाहर निकल जाए तो उसके पैरों से जो है वो धागा आप निकाल देना। वो वैसा ही करते हैं और अगले दिन वो शंख लेकर चले जाते हैं राजदरबार में। राजदरबार में उनकी बहुत प्रशंसा होती है क्योंकि शंख में धागा डालना बहुत मुश्किल काम है, बाकी कोई तो नहीं डाल पाता है और वो डाल लेते हैं। फिर वो जो राजा थे अगला काम सौंपते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा बाजा चाहिए जो अपने आप बजे। ऐसा तो हो नहीं सकता, सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि बिना बजाए कोई बाजा कैसे बज सकता है। फिर चिरो और इचिरो भी अपने घर आ जाते हैं और अपनी माता जी की फिर सहायता लेते हैं कि आज इस तरह का काम मिला है, वो बताते हैं। माता जी बोलती है तो बहुत ही आसान काम है, आप एक डब्बा लाओ, उसके दोनों कोने कट कर दो और चमड़े के जो टुकड़े होते हैं उससे वो दोनों डब्बे का छेद बंद कर दो दोनों तरफ का, लेकिन छेद बंद करने के पहले उसमें कुछ मधुमक्खियां डाल दो। उन लोग वैसा ही करते हैं और अगले दिन राजा को दरबार में, राज दरबार में पहुंच जाते, सारे लोग पहुंचते, लेकिन आज भी दूसरा काम भी कोई नहीं कर पाता है और चिरो और इचिरो ये काम कर लेते हैं। इस बार भी देखते हैं वो राज दरबार में जैसे ही राजा को वो जो ढोल है वो दिया जाता है चिरो और इचिरो द्वारा, तो अंदर जो मधुमक्खियां रहती है वो हिलने लगती है घबराहट के मारे और थप 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 की आवाज आने लगती है और इस तरीके से ढोल बजने लगता है। राजा आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है। अब राजा जैसे ही वो अनोखे ढोलक को देखता है वो उसे अपने हाथ में लेता है और ढोल ढप 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 बजने लगता है क्योंकि जो मधुमक्खियां रहती वो अंदर से घबरा जाती है ना, तो ढोल से आवाज होने आने लगती है। अब तो राजा और आश्चर्यचकित हो जाता है। अब राजा बहुत खुश होता है, ऐसे बहुत सारे काम राजा अपने राज्य के पुरुषों को देता है लेकिन हर काम चिरो और चिरो पूरी तरीके से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि उनकी माँ उनकी मदद करती है ना। तो अब सारे काम जब हो जाते हैं तो राजा खुश होते हैं और बोलते हैं कि आज पुरस्कार वितरण होगा और वो चिरो और इचिरो को पुरस्कार देना चाहते हैं। तभी इचिरो और चिरो बोलते हैं
कि महाराज हमें अपना एक अपराध स्वीकार करना है उससे पहले। तो महाराज बोलते हैं ठीक है आप स्वीकार करो। तो वो बोलते हैं कि हमने हमारे राज्य का नियम तोड़ा है। हमारे राज्य का नियम है कि जब कोई व्यक्ति 70 साल का हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उसे उस पहाड़ पर छोड़ के आना होता है। लेकिन हमने अपनी माँ को उस पहाड़ पर नहीं छोड़ा। हमारी माँ भी 70 साल की हो गई है और जो भी सारे कार्य आपने हमें दिए हैं वो हमने अपनी माँ की मदद से ही पूर्ण किए हैं। राजा सुनता है और बहुत आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वो प्रसन्न भी बहुत होता है। राजा बोलता है आपका यह अपराध मैं माफ करता हूँ और पुरस्कार भी दूंगा। तो चिरो और इचिरो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो राजा से विनती करते हैं, महाराज आपने इन सभी को जो दंड स्वरूप पैसे लिए हैं वो आप इन्हें वापस कर दें, ये वैसे तो गरीब थे और गरीब हो गए। राजा बोलता है ठीक है मैं इन्हें सारे रुपये वापस कर दूंगा और उन्हें आज्ञा देता है कि कल तुम अपनी माँ को लेकर आओ, राज दरबार में लेकर आओ। राजा चिरो और इचिरो घर जाते हैं, अपनी माँ को सारा वाक्या सुनाते हैं। राजा अगले दिन माता सुमी चिरो और इचिरो को अपने राज्य का सलाहकार बना देता है, विशेष सलाहकार बना देता है और अपने राज्य का यह कठोर नियम हटा देता है। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत होता है। तो बच्चों हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, ना कि उन्हें बुजुर्ग होने पर बोझ समझकर किसी अनाथ आश्रम या कहीं कोने में छोड़ देना, यह बिल्कुल गलत कार्य है ना। धन्यवाद।